फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी। आज मैं आपको लेके जाऊंगी देहरादून की इको फ्रेंडली सब्जी मंडी में, जो कि है धर्मपुर एरिया में, जहां पर हम देखेंगे चारों तरफ फैले हैं कुदरत के बेशुमार रंग। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इको फ्रेंडली सब्जी मंडी। मैं इसको इको फ्रेंडली क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसके लिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। चारों तरफ देखिए यहाँ पर कैसे कुदरत के रंगों की बहार आई हुई है। इन लोगों ने सब्जियों को काफी खूबसूरती के साथ और कलर कोऑर्डिनेशन के साथ सजाया है। सभी सब्जियाँ काफी फ्रेश नजर आ रही हैं। पहले हम लोग अक्सर गांव चले जाया करते थे, जहाँ पर हम लोगों को खेत खलियान और नेचर को देखने का मौका मिल जाता था। आजकल हम लोग छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, कॉन्क्रीट के जंगल टाइप में। हमारे बच्चे उसी तरह से शहरों में ग्रो कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को खेत खलियान और नेचर नहीं दिखा पाते। मूवीज में ये सब देखते हैं, उनको खुद से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर सब्जी मंडी में एटलीस्ट उनको लाकर दिखा सकते हैं कि पेड़ पौधे कैसे ग्रो करते हैं, किस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे ये बिजनेस होता है। यहाँ पर लाकर हम उन्हें एटलीस्ट नेचर के बारे में कुछ दिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। आजकल कई स्कूल इस तरह के छोटे छोटे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर वो बच्चों, छोटी क्लास के बच्चों को लाते हैं फ्रूट मार्केट में, सुपरमार्केट में, सब्जी मंडी में, और उनको दिखाते हैं कि किस तरह से बिजनेस होता है, किस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे घरों तक पहुँचते हैं। सभी सब्जियाँ इतनी अच्छी और फ्रेश हैं, साफ सुथरी हैं, देखने में चमक भी रही हैं, लेकिन इन सब्जियों को हम ऐसे ही नहीं खा सकते, क्योंकि इन पर इतना पेस्टिसाइड और दवाओं का स्प्रे होता है, इनको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। इनको बहुत अच्छी तरह धोना होगा, उसके बाद इसे हमें अपने बच्चों को और खुद को खाने के लिए यूज करना होगा। उसको किस तरह से साफ करना है, किस तरह से खाने के लायक बनाना है, ये मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये है हमारी इको फ्रेंडली सब्जी मंडी। इको फ्रेंडली सब्जी मंडी ये ऐसे है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक कम्प्लीटली बैन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे सेलर्स हैं, ठेले वाले हैं, वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, वो पेपर बैग का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपने साथ हमेशा एक बैग कैरी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग आपको थैला नहीं देते हैं, एक लिफाफा देते हैं जिसमें आपको अपना सामान रखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा पुराने टाइम में हमारी मम्मियाँ जो थी, वो जब भी सब्जी लेने जाती थी तो कंडियों का इस्तेमाल करती थी या अपने थैले का इस्तेमाल करती थी। उसी तरह आप भी जब भी सब्जी मंडी जाएं, इसी तरह से प्लान करके जाएं कि आपको अब एक थैला जो है वो अपने पास रखना है। प्लान करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने एक पर्स में फोल्ड करके थैले को रख सकते हैं, जाके जब भी आप सब्जी मंडी जाएं तो आपको वो थैला निकाल के आप यूज कर लें। तो हम भी अपने शहर को साफ रख सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं और कूड़ा जो है उसी डस्टबिन में डाला जाता है। थैंक्स टू आवर देहरादून नगर निगम कि यहाँ पर उनकी गाड़ी समय समय पर आती है और इन डस्टबिन को खाली करके जाती है। सफाई का ऐसे में बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस फैला हुआ है, COVID-19 इज वेरी हार्मफुल डिजीज, लेकिन उससे बचा भी जा सकता है, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको सफाई का ध्यान रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा, और चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है उससे बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब भी आप कभी सब्जी मंडी जाएं तो फेस मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर फिर भी डस्ट होती है, छींकें आती हैं, और आपको नहीं पता कि इतनी भीड़ में कौन इफेक्टेड है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर आपको फेस मास्क बनाना नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा से अपनी वीडियो में आपको बता दूंगी कि फेस मास्क कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही आसान और घरेलू चीज़ों से। तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम अपनी सब्जी मंडी में ही घूम रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों ने किस तरह से अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से सजाया हुआ है, और जहाँ तक देखेंगे आप, कुछ लोग आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब उसमें नज़र आ रहे हैं, किसी ने कुछ बाल लगाए हुए हैं। ये लोग पूरा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए, लेकिन मैंने इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी। मुझे यहाँ देख इन्हें लोगों को देख के इतना अच्छा लगा कि मतलब ये पूरा दिन कड़ी धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, यहाँ पर बने रहते हैं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत, कोई कुछ नहीं है, सब अपने काम में बहुत ही खूबसूरती के साथ, और बहुत ही मतलब जो कहना चाहिए एक जज्बा है
काम करने का और वो भी अच्छी तरह काम करने का। काफी पहले से, पहले तो सब्जी बेचते थे, अच्छा फिर फ्रूट्स भी शुरू कर दिए, 3-4 साल से शुरू कर, पहले पहले भी सब, उससे पहले भी फ्रूट बेचते थे। अच्छा नहीं मिलती है हम लोगों को, हर आइटम होता है। हाँ वरना लौकी बैंगन तोरी टिंडा ये सब तो मिल जाता है, कहीं नहीं जल्दी बता। हाँ ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। अब तो हम लोगों ने कुक कर दिया, इससे पहले हमारे पे बहुत ज्यादा आइटम होते थे। अच्छा हाँ ये जब सब खाली सब्जी लगती थी ना यहाँ पे, हाँ तो दोनों में कम से 70-80-90 आइटम लगवाते थे हम लोग। ओहो इन दिनों जरा थोड़ा शॉर्टेज, दोनों काम मिला के कर रहे हैं ना। हाँ दोनों काम कर रहे हैं, थोड़ा जाता ना फिर उसमें, अगर दो दुकान करते हो किराया ज्यादा लग जाता है। अच्छा अच्छा चलिए फ्रेंड्स, आपके साथ साथ मेरी भी यहाँ पर शॉपिंग हो गई है, मैंने भी अपनी कुछ सब्जियाँ खरीद ली हैं रात के डिनर के लिए। अब हम मैं यहाँ से घर जा रही हूँ और घर जाके मैं सबसे पहले अपना हाथ धोऊंगी अच्छी तरह, हाथ धोने के बाद मैं अपना मास्क उतारूंगी और फिर मैं इन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धोऊंगी और इनको मैं फिर पकाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। जैसे कि बताया कि आपको कभी भी जब भी आप सब्जी लेके जाएं तो उसे बिना धोए अच्छी तरह ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये भी मैं आपको धोने का तरीका मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, अब चलते चलते एक आखिरी गुजारिश, अगर आप मेरा ये यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ की सब्जी मंडी कैसी है, क्या वहाँ पर भी डस्टबिन है या नहीं है, या वहाँ पर भी पॉलिथीन बैन है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।